एक तरफ जहां गाजा के भीतर इसराइल और हमास के बीच लड़ाई और भी ज्यादा भीषण हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में भी इजरायली सेना पर हमास के लड़ाके ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और इसी वजह से अब IDF के हाथों से हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं। पहले गाजा, फिर उत्तरी इसराइल और अब वेस्ट बैंक। जी हां, इजरायली सेना चौतरफा हमलों से बुरी तरह से बैकफुट पर आ चुकी है। वेस्ट बैंक जैसे इलाके में जहां उसकी पकड़ मजबूत मानी जाती थी, अब IDF को वहां भी मुंह की खानी पड़ रही है। दरअसल IDF वेस्ट बैंक के दक्षिणी तुबास के अल्फरा कैंप से बाहर वापस लौट गई है। यहां पर अलक्सा ब्रिगेड ने इजरायली सेना के ऊपर IED ब्लास्ट से बहुत बड़ा हमला किया था, जिसकी वजह से IDF को भारी नुकसान हुआ है। दरअसल 20 जून 2024 को IDF इस इलाके में घुस आई थी और उसके बाद उसने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए थे, लेकिन इन हमलों के बीच वहां मौजूद प्रतिरोधी लड़ाकों ने IDF के ऊपर हमले करने शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से इजरायली सेना मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। वेस्ट बैंक रेड को लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें IDF के वाहन पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। और इसको लेकर लेबनानी मीडिया हाउस अल मयादीन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि IDF ने सुरीफ में भी छापेमारी की थी, जो उत्तरी अल खलील में है। बड़ी बात यह है कि इस पूरी छापेमारी के दौरान इजरायली सेना एक बार फिर से डॉक्टर अजीज द्वेक को उठा कर ले गई थी। आपको बता दें कि अजीज फिलिस्तीनी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मुखिया हैं। IDF ने उन्हें उनके घर अल खलील से कुछ दिन पहले भी उठाया था, हालांकि उस वक्त उन्हें रिहा कर दिया गया था। आपको बता दें कि इजरायली सेना वेस्ट बैंक के कई गांवों में ऑपरेशन चला रही है। द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक IDF दक्षिणी तुबास के अल्फरा और नबलुस के ताल इलाके में ऑपरेशन चला रही है। इन इलाकों के अलावा ऐसी खबरें आई हैं कि IDF उत्तरी जेरूसलम के उत्तरी कलांदिया में भी प्रतिरोधी लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। दरअसल IDF की रणनीति है कि वो गाजा में चल रही जंग का असर वेस्ट बैंक पर नहीं आने देना चाहती, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके खिलाफ वेस्ट बैंक में भी एक बहुत बड़ा फ्रंट खड़ा हो सकता है। और यही वजह है कि IDF लगातार वेस्ट बैंक के तमाम शहरों में छापेमारी कर रही है।